हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के काफी कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूआर कोड जनरेट करना, कैसे क्यूआर कोड जनरेट करी जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्सेल मेरे पास ओपन है और यहाँ पर आपको एड इन पे जाना है। ये जो एड इन है ना, होम टैब में आपको दिख जाएगा, यहाँ पर एड इन पे जाइएगा और यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, क्यूआर कोड। क्या टाइप करना है? क्यूआर कोड। ध्यान रहे कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहिएगा और क्यूआर कोड जैसे ही टाइप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड ट्रैकर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है पर्सनलाइज्ड क्यूआर कोड जनरेटर। इसी तरीके से और भी आपको क्यूआर कोड्स देखने को मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई सा भी एक ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये क्यूआर कोड ट्रैकर है, ये क्यूआर कोड जनरेटर है, तो इसको मैंने इंस्टॉल किया है, ऐड किया है। जैसे इसे ऐड करिएगा तो यहाँ पर एग्री करना पड़ेगा और फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये ओपन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट का हमें क्यूआर कोड जनरेट करना है, तो करना क्या पड़ेगा, यहां पर क्लिक करना होगा और लेना होगा। तो यहां पर क्लिक कीजिए और इस प्रोडक्ट आईडी को आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर ये जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, कैसे फॉर्मेट में चाहिए वो देख लीजिए और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर अगर आप मार्जिन को इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कलर भी बदल सकते हैं। जैसे ये तो ब्लैक कलर में आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई और कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हम क्या करेंगे, इसको जनरेट कराने की कोशिश करते हैं कि जनरेट कैसे होगा। तो इस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहां से के और यहां पर वो नंबर हमें डालना है। जैसे मान लीजिए 132 हमने डाल दिया और एंटर यहां पे करेंगे तो ये यहां पर जाकर के ओके जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। अब ये क्यूआर कोड कौन से वाले का क्यूआर कोड है, ये पहले वाले का क्यूआर कोड है, देख सकते हैं यहां पर ये क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए दूसरे का भी क्यूआर कोड जनरेट करना हो, ठीक है। अब दूसरे का कैसे जनरेट करेंगे, क्या करेंगे, तो दूसरे का जनरेट होगा तो ये दूसरा वाला है। ये वाले को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे और इस बार हम कलर चेंज करेंगे, तो कलर चेंज करने के लिए यहां पे जाएंगे तो ये सेलेक्ट प्राइमरी कलर है, आपको जो भी कलर अच्छा लगता हो वो कलर आप चूज कर लीजिए। अब इस बार डिफरेंट कलर लेते हैं, ये ब्लू कलर, ठीक है। और अब फिर क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कलर हो गया और यहां पर आकर के अब इस बार 133 कर देते हैं, तो ये 133 हो गया और यहां से जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक कर दीजिएगा, क्यूआर कोड आपका जनरेट हो जाएगा। और ये देखिए ये ब्लू कलर में जनरेट हुआ है, देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये ब्लू कलर में जनरेट हुआ है, ये 133 वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसे मैं रखता हूं, ये देखिए ये 133 वाला है और ये ब्लू कलर में जनरेट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ जनरेट हो जाएगा इजिली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये क्यूआर कोड आपको कैसे जनरेट कराने हैं, ठीक है। आप एड इन का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी के साथ क्यूआर कोड जनरेट करा सकते हैं, ठीक है।